बाद देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों में से। शोपिया में सेना की पेट्रोलिंग वैन पर आतंकी हमला, फायरिंग में मेजर और एक जवान शहीद, एक जवान के घायल होने की खबर। 2 से 3 हमला करने वाले आतंकी बताए जा रहे हैं। सेना ने पूरा इलाका सील कर लिया, सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में 2 और आतंकियों का खात्मा, कुलगाम में सेना ने कुछ ही देर में मुठभेड़ में मार गिराए। कुलगाम के गोपालपुरा में मुठभेड़ हुई, दोनों के शव भी बरामद कर लिए गए। आकिब और सुहेल अहमद के नाम से शिनाख्त हुई है। कुलगाम में 5 पुलिस वालों और बैंक गार्ड की हत्या में शामिल था, मारा गया एक आतंकी। 1 मई को लूटी गई थी जम्मू कश्मीर बैंक की कैश वैन। डोकलाम में चीन का नया प्रोपोगंडा, भारत के पीछे हटने का दावा किया, कहा पहले 400 भारतीय सैनिक थे, अब सिर्फ 40 हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने 15 पेज के दस्तावेज में दावा किया, भारत की तरफ से दावे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सिंधु जल संधि के तहत भारत को दोनों ही बिजली परियोजनाएं बनाने से वर्ल्ड बैंक की परमिशन मिल गई है, पाकिस्तान ने इस पर एतराज जताया। पाकिस्तान ने किशनगंगा और रातले प्रोजेक्ट के डिजाइन पर सवाल उठाए, दोनों ही देशों में सितंबर में वॉशिंगटन में अगली बातचीत होगी। जम्मू सीमा पर मार्च 2018 तक पूरी हो जाएगी स्मार्ट फेंसिंग, बीएसएफ ने कहा भारत पाक सीमा को सील करना पहली प्राथमिकता है। राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कल कांग्रेस ने याचिका देकर रोक की मांग की थी। राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर बीजेपी भी खिलाफ में है, चुनाव आयोग से कहा सर्वसम्मति बनने तक इसे लागू न करें। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार, इनकम टैक्स की आज दूसरे दिन भी छापेमारी। दक्षिण भारत में बढ़ सकती है एनडीए की ताकत, सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके 4 अगस्त को मोदी सरकार में शामिल हो सकती है। एनडीए में शामिल होने पर एआईएडीएमके के दोनों ही गुटों में विलय हो सकता है, 1-2 दिन में इस पर अंतिम राय बन सकती है। एनडीए में आने पर लोकसभा के डेप्टी स्पीकर थंबी दुराई बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री मैथ्रियन और वेणुगोपाल बनाए जा सकते हैं राज्यमंत्री। बिहार में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन से नाराज शरद यादव, आज नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, बेहद ही करीबी नेता ने संकेत दिए हैं। जेडीयू को पार्टी न टूटने का भरोसा, केसी त्यागी ने कहा शरद यादव की नाराजगी दूर हो जाएगी, उम्मीद है गलत कदम नहीं उठाएंगे। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की आज कोर्ट में फिर से पेशी, रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश होना है। बिहार में आज से 10 अगस्त तक मुख्यमंत्री नीतीश हर विभाग की समीक्षा करने वाले हैं, कैबिनेट बैठक में कहा विकास और सुशासन प्राथमिकता है। अमित शाह के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन, बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज असम के दौरे पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। कल राजस्थान और गुजरात का दौरा राहुल गांधी करने वाले हैं, बाढ़ से बेघर हुए परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 50 हुआ, राज्य के 14 जिले प्रभावित हुए हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 2 दिन पहले आए फ्लैश फ्लड का वीडियो सामने आया, लकड़ी की पुलिया बह गई थी, कोई हताहत नहीं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, चंडीगढ़ में बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास पुलिस पिकेट पर फायरिंग, 4 बदमाश हिरासत में लिए गए, हथियार भी बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज के मुद्दे ने तूल पकड़ा, बीजेपी की आईटी सेल के मेंबर से बदसलूकी करने वाला सीआईएसएफ कांस्टेबल सस्पेंड हुआ। बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने एयरपोर्ट में रिजर्व स्पेस होने के बावजूद 4 लोगों के गलियारे में नमाज पढ़ने पर सवाल उठाया था। बीजेपी नेता के सवाल उठाने पर सीआईएसएफ जवान ने उनसे बदसलूकी की, पत्नी का मोबाइल छीनने की कोशिश का भी आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंद पानसरे मर्डर केस में 2 आरोपियों पर 10 लाख का इनाम रखा, 2.5 साल से फरार है विनय पवार और सारंग अकोलकर। मुंबई के घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में आरोपी सुनील शतप और अनिल मंडल की पुलिस रिमांड 7 अगस्त तक बढ़ गई, 17 लोग इस हादसे में मारे गए। नागपुर में खाली फ्लैट में 97 लाख के पुराने बंद हो चुके नोट मिले, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। नोएडा में जिला प्रशासन की टीम का अवैध हुक्का बार पर छापा, 3 लोगों को पकड़ लिया। बिहार के आरा में गोमांस के शक में लोगों ने एक ट्रक को पकड़ा, सड़क जाम कर हंगामा किया। इलाहाबाद में मुफ्त कोचिंग न देने पर कोचिंग सेंटर पर बम फेंके गए, दर्जन भर लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में 2 घंटे भर की मुठभेड़ के बाद 3 लाख का इनामी अपराधी इकबाल गिरफ्तार हुआ, गोलीबारी में 1 गांव वाले की मौत। हरियाणा के सिरसा में जूतों की दुकान में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। गुजरात के रूपनगर में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, पेशे के बाद घर जा रहा था, अब अस्पताल में भर्ती है। इंदौर में शादी के बाद कैश और लाखों के जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए कपड़ा कारोबारी से शादी की थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में चोरी के बाद घर में चोरों ने आग लगा दी, पुलिस तलाश कर रही है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। रांची में अस्पताल की पार्किंग में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस को आत्महत्या की आशंका। बिहार के सोनपुर में ट्रेन के बोगी में आग लग गई, कोई हताहत नहीं, राहत की बात, आग क्यों लगी इसकी वजह भी साफ नहीं। चीन में तूफान के साथ भारी बारिश, दक्षिण पश्चिम चीन में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। कैरोलिना के YMCA में रासायनिक पदार्थ का रिसाव, 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज ने 670 फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द कर दी हैं, बिजली जाने की वजह से सिस्टम फेल हुए, यात्रियों ने हंगामा किया। कोलंबो टेस्ट में भारत ने टॉस जीत लिया, पहले बल्लेबाजी का फैसला।